लाइव जुड़ चुके हैं आप जेके सनराइज के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सुबह के लगभग 11:30 होने को है, इस समय 11:15 जो है वो हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं रिंग रोड पर हूं और मढ़ के निकट इस समय रिंग रोड पर मौजूद हूं। और 11:30 भी आप लगभग फॉग देख सकते हैं, धुंध देख सकते हैं, कितनी ज्यादा धुंध जो है अभी भी जो है वो पड़ी हुई है। और 11:30 का समय जाने की मतलब लगभग दोपहर होने को है और फॉग और धुंध अभी भी इस समय इतनी ज्यादा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर बात की जाए 6-7 बजे की, तो विजिबिलिटी जो है वो काफी कम रहती है। और कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आखिर रिंग रोड पर ज्यादा एक्सीडेंट होने के जो है वो क्यों चांसेस रहते हैं और ज्यादा एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। लगातार हम आपको रिंग रोड की खबरें जो है वो बता रहे हैं, चाहे वो यहां से लेकर मढ़ से लेकर अगर बात की जाए तो बिश्नाह तक कई सारे हादसे जो हैं वो रिंग रोड पर हुए हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि अब जब फॉग है, धुंध है, तो धुंध के कारण रिंग रोड पर हादसे हुए हैं, ऐसा मैं हरगिज नहीं कहूंगा। पिछले दिनों जब गर्मियां थी तब भी काफी सारे हादसे जो है वो रिंग रोड पर हुए और इसकी वजह यही बताई जाती है कि रिंग रोड अभी तक अगर देखा जाए तो ऑफिशियली रिंग रोड अभी ओपन नहीं हुआ है। मतलब कि जगह जगह काम जो है वो रिंग रोड पर लगे हुए हैं और ना ही वन वे है, दोनों तरफ से अभी जो है वो वाहन जो है वो आ रहे हैं। कोई भी गाड़ी किसी भी तरफ से जो है वो आ सकती है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप रिंग रोड पर चल रहे हैं तो बेफिक्र होकर जो है आप अपनी स्पीड अनुसार चलते रहे कि कोई टेंशन नहीं है, कोई हादसा होने का डर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गाड़ी जो है वो किसी साइड से भी जो है वो किसी समय भी आ सकती है और यही वजह रहती है कि ज्यादातर हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं कि कई सारे हादसे जो है रिंग रोड पर हुए हैं और कई सारे लोगों की जो है जाने जो है इसमें चली गई। और ज्यादा हम लोगों ने यही देखा कि ओवर स्पीड होने का खतरा है, क्योंकि अभी रोड जो है वो खाली रहता है, हर कोई प्रयास करता है वाहन तेज चलाने का और कई कई सारे लोगों को रिंग रोड का फायदा भी है। बहुत सारे लोगों को रिंग रोड का फायदा है, लोग बहुत काफी जो है खुश हैं कि बेहद जो है आसानी हो चुकी है सफर करने की। पर आप इसे सही इस्तेमाल जो है वो तरीके से कराएं, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। और पिछले दिनों भी, 2 दिन पहले भी जो सुहांजना में हादसा हुआ जिसमें 2 मासूम जो है वो जाने चली गई, एक जो है वो मेजर इंजरी भी हुई। और लगातार यही कहना है कि आप अपना वाहन जो है वो कंट्रोल से चलाएं, आराम से चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी भी कम रहती है और दूसरा किसी समय भी किसी तरफ से गाड़ी आ सकती है और साथ में ही जगह जगह जो है वो काम लगे हुए हैं। कई जगहों पर हम लोग देखते हैं कि काम लगे हुए हैं और वहां से रोड जो है वो बंद कर दिया जाता है, दूसरी तरफ से आपको जो है वो टर्न करके जो है उस तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि इस चीज का बिल्कुल भी आप जो है श्योरिटी नहीं है कि आप वन वे है रोड और आप अपनी तरफ आराम से चल रहे हैं और ऊपर से इस तरह से फॉग धुंध इस तरह से हो कि काफी मुश्किल जो है वो रहता है फिर वाहन को कंट्रोल करना। और वाहन कंट्रोल होना जो है जब स्पीड में होगा, जब आप 80-90-100 की स्पीड में होंगे तो रोकना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। तो लाइव आने का बस यही मकसद था कि 11:30 लगभग हो चुके थे पर उसके बावजूद भी तस्वीरें जो हैं वो ये दर्शा रही हैं, रूरल एरियाज में ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि फॉग धुंध जो है वो रूरल एरियाज में ज्यादा है एज कम्पेयर टू शहरी क्षेत्र में। गाँव जो इलाके हैं थोड़ा फसल यहाँ पर होती है, हरियाली रहती है, पानी वाली जमीनें रहती हैं, उसी की वजह से जो है ज्यादा जो है वो धुंध रहती है। तो बस यही एक मतलब था आज लाइव आने का कि आप लोग अगर रिंग रोड पर वाहन अगर अपना चला रहे हैं तो बड़े आराम। और परिवार की तरफ से भी कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि बच्चे मानते नहीं हैं, जबरदस्ती गाड़ी लेकर जो है वो निकल जाते हैं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर लेकर निकल जाते हैं। बेहद मनाही करने पर परिवार वाले
मना करें पर बच्चे मानते नहीं हैं, और कई सारी बातें सुनने को आती हैं कि रिंग रोड पर आकर जो है वो फिर स्पीड में जो है वो वाहन चलाते हैं। तो तमाम उन बच्चों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर वाहन चलाएं, आप अगर आपके पास लाइसेंस है, जब आप बिल्कुल ड्राइवर हैं, लाइसेंस आपको मिल चुका है, तो आप वाहन चलाएं और आराम से चलाएं। और तमाम उन लोगों को भी कहूंगा जिनके पास लाइसेंस है, वो भी ध्यानपूर्वक जो है वो गाड़ी चलाएं हर बार, क्योंकि गाड़ी एक सुख सुविधा का जरूर एक आनंद देती है, जरूर मजा रहता है, पर अगर आप इस तरह तेज गाड़ी अगर चलाएंगे, हादसे को आप न्योता देंगे, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, क्योंकि जान बड़ी कीमती रहती है। और बस यही एक मकसद था कि ज्यादा रीजंस जो है, यही रीजंस है रिंग रोड पर जो है हादसे होने के, कि आप एक तरफ अगर आप वाहन चला रहे हैं तो ये मत सोचे कि वन ब्रेक चल रहा है तो यहाँ से, यानी कि आगे से कोई वाहन नहीं आएगा, आपको इसी साइड पर भी दूसरा वाहन जो है वो आ सकता है, स्पीड से आपके बिल्कुल आगे आ सकता है। तो आराम से चलाना है ताकि कंट्रोल रहे वाहन के ऊपर, गाड़ी के ऊपर कंट्रोल रहे। और यही एक लाइव आने का हमारा मकसद था, क्योंकि कई सारे अभी काम जो है वो रिंग रोड पर चल रहे हैं, ऑफिशियली रिंग रोड अभी ओपन नहीं हुआ है, तो आप सबको जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि जान बड़ी कीमती है, आपकी जान जो है बेहद कीमती है, आपके परिवार के लिए, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा होता है। तो कभी भी इस तरह से जो है आप तेज व्हीकल ना चलाएं, ताकि कोई तकलीफ दुख तकलीफ में आप पड़े, कोई इंजरी आपको मेजर हो जाए, या आपका परिवार की दुखी हो, ऐसा बिल्कुल ना करें। और स्पेशली जो माइनर हैं, जो बच्चे हैं चलाने वाले वाहन, वो कंट्रोल रखें गाड़ी का, आराम से चलाएं गाड़ी। और ये देखें आप रिंग रोड पे, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि कई सारे जो हैं काम जो है वो रिंग रोड पर लगे हुए हैं, ये देखें यहाँ पर भी जो है अभी फिलहाल देखिए आप काम चल रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप लोग जेके सनराइज से जुड़े हुए हैं, और जेके सनराइज का हमेशा से एक कोशिश रहती है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी, अच्छी जो मतलब कोई अहम जानकारी हो, वो हम आप तक हर कोई जो है वो साझा करें, चाहे वो आप एक मैसेज के रूप में ही आप हैं समझ लें। और ये देखें आप इस तरह धुंध जो है अभी भी लगभग, एक बार फिर से बता दूं, 11:30 होने को हैं, और काफ़ी ज़्यादा फॉग, काफ़ी ज़्यादा धुंध अभी